हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसमें लीव्स अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे कुछ जनरल फंक्शंस की लीफ में। सबसे पहला जो फंक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो इनका जो फॉरमोस्ट जो फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा प्लांट जो है वो फूड तैयार करते हैं अपने लिए भी औरों के लिए भी। देखिए क्या होता है, प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो होती हैं जनरली ग्रीन इन कलर। और ग्रीन कलर इनका होता है क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन कलर का होता है, ये प्लस सनलाइट। इन दोनों की प्रेजेंस में, साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके बनाते हैं ये स्टार्च, और ये स्टार्च ही होता है फूड। और साथ में ये फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टार्च के साथ साथ एक बाई प्रोडक्ट भी निकालते हैं, और उस बाई प्रोडक्ट का नाम है O2, यानी कि ऑक्सीजन गैस, जो कि जीवनदायिनी लाइफ गिविंग गैस कहलाती है। तो कुल मिला के फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का यूज करते हैं ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, साथ ही साथ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये बनाते हैं स्टार्च, जो कि एक तरीके का फूड होता है, और साथ में ये ऑक्सीजन एक देते हैं। ये जो फूड है ये अलग अलग पार्ट्स में कलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये अगर वो लीव में करेंगे तो हम उनकी लीव्स को खाएंगे, ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। और स्टेम में करेंगे तो स्टेम उनका ईटेबल पार्ट होगा, और अगर ये रूट में उसको स्टोर करेंगे तो उनका ईटेबल पार्ट होगा रूट्स। तो ये है फोटोसिंथेसिस, जो कि पहली प्रोसेस है या पहला एक फंक्शन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है लीव्स का। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपिरेशन। देखिए जैसे कि जो एनिमल होते हैं समर टाइम यानी गर्मियों के मौसम में, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से स्वेट यानी पसीने के रूप में वाटर को बाहर निकालते हैं, जिससे इनकी बॉडी जो है वो कूल हो जाती है और गर्मियों में ठंडा महसूस करती है। इसी तरीके से जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, लीव्स की जो लोअर सरफेस होती है वहाँ पाए जाते हैं पोर यानी कि छिद्र, और इन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। और इन स्टोमेट प्लांट्स की जो रूट हैं वहाँ से जो वाटर आ रहा है, इस वाटर की जब क्या हो जाए, ये एक्सट्रीम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो ये जो स्टोमेटा है एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ऊपर की तरफ, इस ऊपर की तरफ के प्रेशर को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और इस ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से जो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है इनकी बॉडी में, उसको गिवन आउट यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाता है, साथ ही साथ ठंडा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में पेड़ के नीचे आपको ठंडक महसूस होती है, वो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से ही होती है।
देखिए इसमें दो फायदे हैं, जब ये ट्रांसपिरेशन में जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल जो क्रिएट करते हैं, तो प्रेशर इनकी रूट पे ही पड़ता है, जिससे वाटर और मिनरल बहुत ज़्यादा आता है रूट से या फिर मिट्टी से। तो वहाँ इस कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मिनरल्स की पूर्ति भी हो जाती है ट्रांसपिरेशन की वजह से। सेकंड, अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो वाटर जाता है वेपर के रूप में, वो आगे चल के क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है, मॉइस्चर का निर्माण करता है, जिससे वहाँ पर बारिश आने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश बहुत जल्दी और सही समय पर आ जाती है, यानी कि ये वाटर साइकिल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है ये ट्रांसपिरेशन पुल, या ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो। देखिए ये इनके फंक्शन की बात थी। अब हम अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की, तो इनके मॉडिफिकेशन को मैं बता चुका हूँ पहले ही, एक बार और बता दूंगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें तो बात करेंगे मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। देखिए मॉडिफिकेशन में पहले भी इनका एक बार आ चुकी है बात। देखिए कई जो प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट अगर बात करें तो कई जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, ये लीव्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल्स में, और इन टेंड्रिल्स की हेल्प से ये किसी भी नेबरिंग यानी आस पड़ोस वाले किसी भी स्ट्रक्चर पर ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट बना लेते हैं और उस पर ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसा होता है फॉर एग्जांपल जैसे कि पी प्लांट, तो पी प्लांट में जो लीव्स भी पाई जाती हैं, लेकिन उनके लीव्स जो है आगे से टेंडल्स में धागे नुमा संरचना बदल जाती हैं, किसी दूसरे किसी सहारे से चढ़कर ऊपर इनको सपोर्ट प्रदान करती हैं, क्योंकि इनमें स्टेम जो है वो बहुत वीक होता है। तो इस तरीके से लीव्स टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट जो हैं स्पेशली अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, तो जैसे कैक्टस, इनमें जो लीव्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइन यानी कांटों में। क्यों हो जाती है? क्योंकि डेजर्ट में देखिए वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी यानी कमी होती है, पानी बहुत कम पाया जाता है, जबकि लीव्स अगर होंगी तो वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा पानी को बाहर निकालेंगी, तो इनमें लीव्स नहीं पाई जाती, लीव्स रिड्यूस हो जाती हैं छोटे छोटे कांटों में, जिससे इनकी बॉडी से वाटर बहुत कम जाता है। इनका खुद का स्टेम ही ग्रीन कलर का होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस वगैरह करता है। तो इस तरीके से ये है इनका मॉडिफिकेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे फ्लावर की। कल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।